वॉच सीन्स से सुप्रीम कोर्ट की वादी करार का, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी और का अंगूठा लिया, क्योंकि किसी गुरु को हक नहीं है कि किसी जाति का, किसी धन का, किसी मुद्दे पर कोई डिसाइड करके कुछ कह दिया जाए। एकलव्य का जब अंगूठा ले लिया तो एकलव्य के पास चार उंगलियां थी, ये वो चार उंगलियों को दिखाया गया इस विशाल में। पहली बड़ी उंगली है सेक्रीफाइस की, हमने उसको केसरिया कलर में दिखाया था सेक्रीफाइस। उसके बाद है डेडिकेशन ब्लू कलर में, क्योंकि कलर भी कुछ कहते हैं इस थीम पर, है ना। पैशन रेड कलर में, और फिर थोड़ा सा पेशेंस अगर रखें तो ये हैंड ऑफ एक्सीलेंसी का हैंड बनता है जिसमें पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। ये है मुनि स्कूल, इसका मतलब है मेरा एक्सीलेंसी इज पैशन, जहाँ पे श्रेष्ठता ही जरूर है। एक बड़ी क्लियरली आपको कनेक्ट कर दूं मैं, एक्सीलेंसी का मतलब क्या है। एक्सीलेंसी का मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर निकलना, एक्सीलेंसी का जो मतलब है तो जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि हर आदमी श्रेष्ठ है, इसको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि भाई एक्सीलेंसी का मतलब है तुझमें कुछ आगे निकलना है, सब कुछ तुझमें है उसमें से कुछ आगे निकलना है। एंड वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लिमिटेशंस, हम कोई लिमिटेशंस एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो कुछ तो अच्छा है आपके, ये हमारा पर्पज होता है, ये हमारे लोगों का। Where the knowledge will be discovered by the child under guidance of teacher. Teacher is not a person who will transfer the knowledge. He is a man who will create a situation where the children will discover the knowledge. Reciprocal system चलता है, जहाँ बच्चे बच्चे को सिखाते हैं। क्या होता है? जब बच्चा बच्चे को सिखाता है, तो सिखाने वाला बच्चा उस बच्चे से ज़्यादा सीखता है। क्योंकि जब उसको मालूम नहीं होता कि पूछने वाला बच्चा कितने क्वेश्चन पूछेगा। मैं ये सिखाने के लिए मेरे साथ बहुत दिक्कत होती है, मेरे को पता बहुत आसान है ये सिखाना, मगर एक छोटे बच्चे से जिसकी मोटर स्किल काम ना करती हो उसके लिए बहुत मुश्किल है ए में तीन स्ट्रोक बनाना। मगर हम कहते क्यों नहीं बना रहे हैं, 26 अल्फाबेट सिखाने में टाइम लग रहे हैं। ये बात बच्चा ही बच्चे को समझा सकता है कि मैंने इस दिक्कत को कैसे पूरा किया है। इसी में इस ज्ञान को पाने का तरीका क्या था कि जब आप अपनी दृष्टि, दृष्टि का मतलब है ज्ञान विज्ञान और विवेक, अपनी दृष्टि ज्ञान विज्ञान और विवेक को सृष्टि के नियमों से मिला देते हैं तो ज्ञान का प्रवाह उधर से इधर आना शुरू होता है और आपका ज्ञान ज्ञानी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद और भी स्टेप है कि जैसे क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इस तरह कई 7 स्टेप है जिससे प्रक्रिया फॉर्म निकाला। मैं सक्षम हूं कि जो कुछ आपने सीखा क्या आप दूसरे को सिखा सकते हैं, जो आपने सीखा इसका विपरीत भी आपको मालूम है इसका विलोम क्या होगा, जो आपने सीखा या जो आपने जाना इसके परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं आप, जो आपने सीखा क्या इसको दूसरे तथ्यों में आप संबंध देख सकते हैं, क्या इसको दूसरे रूप में पहचान सकते हैं। इस तरह हमने 7 डिजिट पॉइंट बनाए जिसमें बच्चा हर उस ज्ञान को अपने सब्जेक्ट का टेस्ट करके ले आगे बढ़ा। आज तक क्या होता था, हिंदुस्तान में पढ़ने की प्रैक्टिस होती थी, लिखने की प्रैक्टिस होती थी, किसी चीज को किसी को समझाया जाए इसकी प्रैक्टिस नहीं होती थी कि कैसे मैं उसको समझाऊं, कैसे मैं विकास शिक्षा हुआ क्या, सभी शरीर एक जैसे हैं परंतु विभाग सब अलग अलग करते हैं। परंतु संसार में अगर वंश जाति पे देखा जाए, संसार के सभी हाथी शाकाहारी हैं, सभी सांप मांसाहारी हैं, चाहे वो सांप इंडिया में पैदा हुआ हो या अफ्रीका में हो या यूरोप में हो, वो हाथी चाहे इंडिया में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, सभी शाकाहारी हैं। परंतु इंसान नाम की चीज ऐसी बनी क्योंकि जिसमें जो पग पग पर कदम कदम पर किलोमीटर किलोमीटर पर व्यवहार अलग पाया गया, तो बोले इसमें क्या हुआ गड़बड़ियां, ये गड़बड़ियां नहीं है, ये विकास का क्रम था। इसके लिए हमने मूल्य चेतना विकास शिक्षा पर बहुत गहन अध्ययन किया कि शिक्षित होकर के हमने करना क्या है। हमने बच्चे को बताया कि पहला चीज चाहिए शिक्षित होने के बाद, आप स्वस्थ रह सके, समृद्धि पूर्वक जी सके, संबंधों में तृप्ति ला सके और व्यवस्था में बेहतरीन होकर भागीदार कर सके। इन चार नोन टू अननोन, मैं आपसे कुछ बताता हूं कि चलिए साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दिल्ली में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं कि ये है कैट, बच्चा कैट को जानता नहीं है, फिर कैट की स्पेलिंग है सी ए की, वो भी इसको जानता नहीं है, फिर मैंने बताया बिल्ली, वो बिल्ली को जानता है। तो देखिए मैंने अननोन से नोन को ले लिया, अगर मैं इसको इस तरह ले जाता
कि नाउ ये है बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं कैट, कैट की स्पेलिंग है CAT, तो कितना सुंदर वो बुली लोग होते हैं जो ताकतवर तो नहीं होते परंतु कुछ पाने के लिए वो ग्रुप बनाकर किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इस स्कूल ने उस पर तीन तरीके, यहां हर बच्चे के पोटेंशियल को जांच की गई है, हर बच्चे के तीनों स्टाइलों में कि ये ऑडियो है, ये विजुअल है या ये काइनेस्थेटिक है, उनमें पूरी तरीके से काम किया गया। उसके बाद हमने और आगे तक निकले हम लोग कि बच्चे में कोई पोटेंशियल कैसे है इसको कैसे जांचे। इसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया, पामिस्ट का इस्तेमाल किया, साइकेट्रिक्स का इस्तेमाल किया एक बच्चे की पोटेंशियल को जानने के लिए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पेरेंट्स की हिस्ट्री किस तरह की है, क्योंकि किस माहौल में पढ़ रहा है, क्योंकि हर स्टडी को पढ़ने के लिए पूरे स्कूल को MP, MLA, काउंसलर, जुडिशरी, डेमोक्रेसी इस सिस्टम पर बनाया। अगर किसी बच्चे को लगता है कि यह होना चाहिए तो लाओ प्रपोजल। I am Seema Sharma, principal of this school. I just want to tell something about it. If your child is successful, it is the capability of your child. If she or he is not, then we member of only school and parents both are responsible. My name is Priyanka. Today I will introduce your competitor. In everyone's life, there is a competitor who inspires them to look best in their life. I am also my competitor. Let's see who is my competitor. This is my competitor who always inspires me to do my best in my life. माँ सरस्वती के आगे सच्ची आत्मा से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि माता पिता व समाज के समर्पित विश्वास तथा मेरे भविष्य के इन सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायी बच्चों के बहुमूल्य वर्षों में आज के दिन को इनके लिए भी और अपने लिए यात्रा बनाने में कोई कमी नहीं रहनी है। मैं अपने सीनियर मैनेजमेंट व समुदाय के सभी उपस्थित व अनुपस्थित उन सभी को जो मुहिम चलाने को विश्वास रखते हैं चाहे मुझमें या सुविधाओं में जितनी भी कमी क्यों ना हो पर मैं आपके धरोहर और अमानत हूँ। शिक्षक व्यवस्था मापदंडों को छोड़ने में पूरी निष्ठा व समर्पण से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए शिक्षक समुदाय का नाम रोशन करेंगे। जय माता सरस्वती, जय हिंद। For telling about our school material. In our school, in each and every class, the balls are categorized in 6 ways. These are, first of all, I want to tell about the science world. In our school, these balls are related to our subjects, as I told you before. In our school, means this, all the charts are belonging to our subject science, and they all also related to our syllabus, which will come in our school. Same as all the balls, this have also the charts related to our neighbors, now, in this great paper wall, we have the photos of the
tell you about promise wall. This is our promise wall in which any student has did any mistake. So he will write the promise and he will do the promise that he will not do it. In every class, I have an information side wall. We paste here the information regarding to school rules and the students, etc. We have the bulletin board also. Here we paste the news from the newspaper like economical news, sports news, general news. Thank you.